लोकसभा में अपनी सिटिंग नवादा सीट नहीं मिलने से नाराज बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नाराजगी भरा विवादित बयान दे दिया है। वो अपनी ही पार्टी में निशाने पर आ गए हैं। पार्टी में उनके पक्ष विपक्ष में बयानबाजियां होने लगी हैं। बीजेपी के एक विधान परिषद सहित दो नेताओं ने तो उन्हें नाटक बंद करने की नसीहत दे डाली है। गिरिराज सिंह के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा के पूर्व विधान पार्षद व सांसद सीपी ठाकुर के पुत्र विवेक ठाकुर ने ट्वीट कर कहा कि गिरिराज खुद बेगूसराय से चुनाव लड़ना चाहते थे, पार्टी ने उनका आदर किया, फिर ये नाटक क्यों। पिछली बार भी उन्होंने नवादा से टिकट मिलने पर नाटक किया था। विवेक ठाकुर ने कहा कि उचित होगा कि गिरिराज सिंह पार्टी के हित में बेगूसराय से चुनावों की तैयारियां शुरू करें। बैंक से संबंधित कामकाज बुधवार को हर हाल में निपटा ले, नहीं तो परेशानी हो सकती है, क्योंकि 21 से लेकर 24 तक बैंक बंद रहेंगे। वैसे बैंक प्रबंधन ने लोगों को नगद से लेकर किसी तरह की परेशानी नहीं होने के लिए एटीएम को फुल करने का दावा किया है। एटीएम अधिकारियों की माने तो होली के मौके पर वैसे भी निकासी कम होती है, फिर भी बंद के दौरान एटीएम में कैश डालने के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। गुरुवार यानी 21 मार्च को होली को लेकर बैंक बंद रहेंगे। शुक्रवार यानी 22 मार्च को बिहार दिवस को लेकर बैंकों में ताले लटके रहेंगे, जबकि 23 मार्च को चौथा शनिवार और 24 को रविवार होने के कारण बैंक बंद रहेंगे। 25 मार्च को बैंक खुलेंगे। होली की छुट्टियां शुरू हो गई हैं। आज लोग अपने अपने घर होली मनाने जाएंगे। इसी को लेकर पूर्व मध्य रेल प्रशासन ने होली के मौके पर पटना आनंद विहार, पटना कोटा, सहरसा अम्बाला, दरभंगा अम्बाला सहित कई रेलवे स्टेशनों पर स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। इस कड़ी में गाड़ी संख्या 023-65, 023-66 पटना आनंद विहार टर्मिनल, पटना सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन 24 मार्च को पटना से रात 8:25 पर खुलकर आरा बक्सर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, इलाहाबाद कानपुर स्टेशन पर रुकते हुए अगले दिन दोपहर 2:20 पर आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेगी। महागठबंधन में चल रहे घमासान पर बिहार कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष और जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पर कांग्रेस को बिहार में पनपने नहीं देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस को अल्पसंख्यकों का वोट मिलने लगे तो आरजेडी कमजोर हो जाएगी और उनके पास सिर्फ यादवों का वोट रह जाएगा। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि हमने 2009 में लालू प्रसाद यादव को देखा है, वो किस तरह परेशान करते हैं हर चुनाव में। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष और सांसद पप्पू यादव ने कहा है कि महागठबंधन में जन अधिकार पार्टी को शामिल किया जाना चाहिए। पार्टी की संगठनात्मक मजबूत और चुनावी तैयारी के लिए बुलाई गई बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी महागठबंधन की मजबूती का पक्षधर है। देश की सुरक्षा और मजबूती के लिए महागठबंधन को ताकतवर बनाया जाना चाहिए। महागठबंधन की मजबूती के लिए पार्टी कोई भी कुर्बानी देने को तैयार है। पप्पू यादव ने कहा कि जन अधिकार पार्टी भी महागठबंधन का हिस्सा बनकर वोटों का बिखराव रोकना चाहती है। जन अधिकार पार्टी महागठबंधन के सभी दलों के बीच सम्मानजनक समझौते की पक्षधर है। पार्टी अपने चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।